This video is sponsored by One Football application. That is my go-to stop for all kinds of news related to football. If you also want to know everything about football, there is no better place One Because over there, you will find all the latest news surrounding your club, also information about the leagues that you follow. All the information is there, well addressed on the One Football application. They have all the fixtures update with the lineup, the stats and the live commentary as well. Plus, if you want to stay in touch with what is happening in the transfer market, OneFootball is the place to go to. So what are you waiting for? Go down into my description, click on the link, and download OneFootball application from over there. So Thomas Tuchel gets sacked by Chelsea, and the whole world is shocked. Seriously, we did not expect this. Yeah, from was a bad Starting his seven matches, three losses already. the Chelsea. अपने पहले 50 मैचेस और बाद के 50 मैचेस अगर कंपेयर करें हम यहां पे टूकल के तो बहुत बड़ा डिफरेंस है लास्ट के 50 मैचेस में दे है प्लेड रियली रियली पोरली गोल्स ज्यादा खाए हैं क्लीन शीट कम रखें ओनली एटीन क्लीन शीट इन द लास्ट फिफ्टी गेम्स स्टार्टिंग के फिफ्टी विथ थर्टी टू क्लीन शीट्स रखे थे मिंडी का फॉर्म अच्छा था डिफेंसिव सॉलिडिटी टीम में और अच्छा फ्लूड फुटबॉल खेल रहे थे बट देन चीजें काफी चेंज हुई हैं यहाँ पे चलसे में वो पूरे टेक ओवर और सिनारियो के बाद से सबसे बड़ी बात है थॉमस टूकिल की दैट ही स्टेड इतना बड़ा टेक ओवर चला था इस सबके दौरान ही स्टेड ही कुड हैव लेफ्ट जहां पे पूरा स्क्वाड अनसर्टेन था कि क्या होने वाला है इफ आई विल बी बेयर इन द टीम और नॉट थॉमस टुकल ने कहा नहीं भाई हम तो हैं यहां पे ही जब सबसे खतरनाक टाइम से वो गुजर रहा था एंड ही भाई अब क्या चाहिए सो वी ऑल नो कि थॉमस टुकल ने उखाड़ा क्या है बट देन बोथ साइड ऑफ द स्टोरी हमें सुननी थी व्हाट एक्चुअली वाज गोइंग ऑन एंड बिहाइंड द क्लब ये हमें जानना था सो so आज की वीडियो में वी विल फाइंड एवरीथिंग दैट हैपेंड विद द साकिंग ऑफ थॉमस टुकल एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राहम पोर्टर्स कैसे टॉट बोहली और बेग

थॉमस टुकल के द्वारा डिमांडेड साइनिंग्स थी विल फाइंड दैट आउट बट उससे पहले यहाँ पे ये जो टॉट बोली अपना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना रहे हैं ही थॉट कि भाई टुकल वुड बी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इट एक एक्सपीरियंस मैनेजर एक वर्ल्ड क्लास टैक्टिशियन और एक इमोशनली स्टेबल और एक ब्राइट मैनेजर जो कि अच्छा मान मैनेजर है सो दे ऑल थॉट कि इस हिसाब से काम चलेगा बिकॉज ही इज अ मार्जर जिसको आप पेप और क्लॉप के साथ रेट कर सकते हो करेंटली बिकॉज ऑफ दिस

कि थॉमस टुकल वुड नॉट बी बेयर द क्लब वो लीव नहीं करना चाहते थे अल्टीमेटली बट टुकल डिन वॉन्ट हिम इन द टीम तो लुका कोल्सो लेफ्ट फिर अपॉइंटमेंट आता है यहाँ पे टॉट बोहली का साथ ही साथ यहां पे इसके को ओनर इकबाली तो बोहली और इकबाली दीज टू लैक्स वो वा आर वॉन्टिंग वा टू टॉक टू थॉमस टुकल डायरेक्टली हर दिन मीटिंग्स करनी थी इनको और दे इनिशियली सेड की टुकल में उनका पूरा सपोर्ट है और टुकल भी अपने एक इंटरव्यू में बोला कि ही हैज़ गॉट दिस सपोर्ट ऑफ द ओनर्स अब सीन क्या हो रहा था इनको चाहिए था रेगुलर रिपोर्ट्स एंड रेगुलर मीटिंग मतलब पर डे थॉमस टुकल ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में इनके साथ बैठते थे रिपीटेड डिफरेंट डिफरेंट ओनर्स के साथ ये मीटिंग्स में बैठते थे और ये बहुत ही लंबी फ्रस्ट्रेटिंग रिक्रूटमेंट

it. अब टूकल इस चीज को देख के बड़ा ही ज्यादा वियर्ड फील किया कि भाई फोर फोर थ्री क्या होता है ही नेवर हर्ड ऑफ दिस सीन क्या खराब हुआ कि टॉट बोहली ने अपने आप को इंटरिम स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना लिया बिकॉज दैग मरीना एंड पीटर चेक को भी उन्होंने लेट गो ऑफ कर दिया तो उनके पास कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर के लिए रोल में कोई बंदा था नहीं सो so, टॉट बोली खुद ही अपने इंटरिम uh, स्पोर्टिंग डायरेक्टर बन गया अब इमेजिन की आप एक रूम में बैठे हो अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर के साथ आप उससे आप रिक्रूटमेंट की बातें कर रहे हो कि भाई ये प्लस चाहिए ये प्लेयर नहीं वो कह रहे कुंडे चाहिए वो कह रहे मुझे फोफाना चाहिए वो यू नो ये सारी चीजें आप हो रही है डिक्लाइन कर रहे हो और दैट गाय हैपन्स टू बी योर को ओनर तो भाई वो तो वेड करेगा सिनारियो फिर यहाँ पे एक और रिपोर्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्री सीजन जब स्टार्ट हुआ तो टुकल कंडक्टेड सेपरेट मीटिंग्स ही टॉक टू द प्लेयर हु वांटेड टू स्टे एट द क्लब एंड ही सेपरेटली टॉक टू द प्लेयर हु वॉन्टेड टू लीव अब ये इन दोनों प्लेयर्स की लिस्ट बनाई इन दोनों सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ अलग अलग मीटिंग किया करते थे टुकल हर प्री सीजन गेम से पहले सो दिस वॉज वेरी व्यूड एंड यहां पे प्लेयर्स कांड ऑफ फीलिंग आइसोलेटेड लेफ्ट अलोन टुकल बातचीत नहीं कर रहे थे डिस्टिट फिगर फॉर ऑल ऑफ दिस प्लेयर्स बिकॉज टुकल वॉज एंड गाय टुकल एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत अच्छा अच्छा बंदा था यूज टू टू हिज प्लेयर्स मतलब पिछले साल अगर तुम देखोगे टुकल ने मैन man मैनेजमेंट कैसे दिखाया इट वॉज अबाउट हिम एक्सप्लेनिंग टू द प्लेयर्स की भाई तू बेंच पे क्यों है हिम टॉक टू द फर्स्ट इन प्लेयर्स गाइडिंग दंगस्टर्स ऑल द टाइम ही वॉज इन कन्वर्सेशन विद्लेय देख ये सिस्टम बेटर है आज के मैच में इफ यू ऑन द बेंच तो दिस इज द थिंग बट देन लेटर ऑन टुकल स्टॉप डूइंग दिस ऑल टूगेदर फिर टुकल को यह भी लगा कि यार वर्बल कॉन्ट्रैक्ट का अग्रमेंट हो चुका है दैट देव ए गेम एन एक्सटेंशन बिकॉज दे वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड यहां पर वो टुकल को सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट बनाएंगे बट एक वर्बल अग्रीमेंट ही था टुकल मे बी एक्सपेक्टेड अब बिट मोर कि वो कॉन्ट्रैक्ट उनको रिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे एंड इफ यू रिमेबर वी टॉक इन वन ऑफ आर लाइफ स्ट्रीम यहां पे टुकल को भी कॉन्ट्रैक्ट देना कहीं कही ना कहीं गलत होगा सो so दिस इंड ऑफ यू नो प्रूफ दैट पॉइंट ना टेंशन बढ़ रही थी इकबाली और यहाँ पे टुकल के बीच में बिकॉज टुकल मीटिंग्स में नहीं जाते थे और एक और रिपोर्ट है यहाँ पे जो कि मुझे लगता है फाइनल नेल इन कफ़िन थी यहाँ पे टुकल के ड्रीम्स की डैट जब टॉट बोहली गए बात करने कुकुर के एजेंट से ही वेंट देयर हैविंग ऑल कािटेल नॉलेज अबाउट ग्राहम पॉटर्स उसके करियर के बारे में उसके एक्सप्लॉर्ट्स इन स्वीडन और फिर सुवानसी की टीम के रिगार्डिंग सारी डिटेल उसके पास ऑलरेडी थी ग्राहम पॉर्टर्स की तो मतलब तुम कुकुरिया को साइन करने गेवन यू

काफी सारी दिक्कतें ऑलरेडी हो रही थी और टुकल का पब्लिकली ये सारी बातें बोलना गलत था अपने ओनर्स के लिए बिकॉज दे वर कहीं ना कहीं वर्किंग विथ हिम टू मेक द साइंस बट देन वो कोई किसी भी प्लेस पे अग्री नहीं कर पा रहे थे अब उनको चाहिए था एक मिडफील्डर अब टुकल वांटेड एडसन अलवारेज या रोमियो लाविया अब इन दोनों के लिए ट्राई किया बोहली ने बट देन देइन डेम एन देन दे जकरिया। अब एक और बात है बोहली ने एक प्रीमियर लीग के एजेंट से एक बात बताई कि टुकल इज लाइक अट टू डील इट कम्स टू रिक्रुटेशन मीटिंग तो ये बात तुम देख रहे हो रिफ्ट दोनों में लगी हुई थी यार और इसी की वजह से इट वॉज दैट ही गॉड दैन यार टुकल वॉज लव आर दिस क्लब फैंस लव प्लेयर्स लव अलॉट टुकल जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आते हैं टीम को गैलवनाइज करते हैं डिफेंड करते, है, करते हैं कंसिस्टेंटली

टिकली चेंज होता है उसका बहुत बड़ा रीजन है कि टुकल की अभी थर्टीन ईयर्स ओल्ड मैरिज खत्म हो जाती है एंड उसके जो नए रिलेशनशिप के न्यूज हैं वो पूरे यूके के न्यूज पेपर आर्टिकल्स में छप रहे हैं सब कुछ हो रहा है एंड पीपल वो स्टार्टेड टू सी हिम एज अ डिस्टेंट फिगर मतलब बंदा शांत हो जाता है बात नहीं करता है ही इज़ नॉट टॉकिंग टू द प्लेयर्स प्लेयर्स थोड़ा सा लेफ्ट अलोन फील करते हैं और वो जो सेपरेट मीटिंग्स वो कर रहे थे फॉर द प्लेयर्स हु हुटेड टू स्टे एंड द फ्लिप प्लेयर्स हु वॉटेड टू लीव वो भी इट वॉज कहीं ना कहीं इट वॉज हेल्पिंग टू टूकल्स एम और यहाँ पे बोहली वॉज काइंड ऑफ ग्रोइंग मार्ड विथ द अप्रोच ऑफ द मोस्ट टुकल बिकॉज वी वॉन्टेड टू हैव टुकल एज अ मैनर जो कि इस टीम को एक साथ लीड करे इस क्लब में वो सेंस ऑफ यूनिटी लाए क्योंकि इतने बुरे टाइम के जाने के बाद से ही बोहली एंड द को टुकल गा जो कि एक अच्छे ड्रेसिंग रूम को मैनेज करेगा जहां पे इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे वो एक सिस्टम बिल्ड करेंगे जो कि वो अपने बेस टीम्स के लिए करते आए यार तुम डॉर्जर्स वॉर्जर्स को देखो वहां पर जो मैनेजर्स है दे आर वर्किंग फ्रॉम ट्वेंटी फोर्टीन ट्वेंटी सिक्सटीन और काफी लंबे टाइम से उनका मैनेजमेंट चल रहा है सो दिस इज वॉट द ओन शिप वॉन्टेड फ्रॉम टूकल बट ही वॉज प्रोवाइडिंग इट रिपोर्ट यह भी थी कि जनवरी में चलसी के सारे अटैकर्स वॉन्टेड टू लिव देंट इन समर हॉलीडेजिंग वेरी वेरी अपसेट टीमर लुकाकू हकीम सी एच

Tukul was quoted as saying he had nobody left in the midfield to play. He had Billy Gilmore and Carney Chikwemika sitting on the bench. और यहां दिस ओनरशिप वॉन्ट्स कॉब हेम टू डेवलप टू प्रोड्यूस प्लेयर्स एंड फॉर फॉरयर्स जो उन्होंने साइन किए हैं यंगस्टर्स उनको डेवलप करना अब अगर टुकल उनको डेवलप नहीं कर रहा उनको मिनट्स नहीं दे रहा है तो दिस वॉज एट वॉट दे वॉन्टेड टू एम्फोसाइज ऑन और यहां पे कहीं ना कहीं दिस वॉज एंड काइंड ऑफ गोइंग विद द विद्लान ऑफ द ओनरशिप सो मै टुकल के लिए रिस्पेक्ट है आई लव हिम मैडली मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं टुकल को बिकॉज ऑफ द टैक्टिशियन ही इज बिकॉज ऑफ द मैन मैनेजर ही यूज टू बी बट करेंटली अभी तुम देखोगे तो थिंग्स वर आउट ऑफ कंट्रोल इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कह सकते हो कि काफी नए प्लेयर्स आए हैं और वो प्लेयर्स आए हैं जो कि टूकल नहीं चाहता था दे वेंट ऑन एंड साइंड स्टर्लिंग ही वांटेड राफिनिया अब तुम उस छोटी लड़की के साथ क्या कर रहे हो यार तुम वो एक विंगर तुम उसको स्ट्राइक पोजीशन पे खिला रहे हो देयर अ लॉट ऑफ थिंग दैट आर गोइंग रॉन्ग एंड कहीं ना कहीं वे टाइम टूकल इस चीज को एड्रेस किया होता बट

वेरी गुड जॉब एंड दिन नेक्स्ट सीजन इज नॉट वर्किंग तो वर्किंगोच यूज टू साक हिम बट विद द न्यू ओनरशिप इन बोली वी ऑल थॉट दिस वुड चेंज वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वाली बात फिर से भी चीख चीख के मुझे यहाँ पे याद आती है बट द आई थिंक दिस गायल लेट दम टू टू डोमेस्टिक फाइनल इजी वॉन्ट इट तो तो भाई बंदा तो बवाल है काम तो उसने अच्छा किया बट देन चीजें खराब हुई सबसे ज्यादा जब टॉट बोहली जाते हैं फॉर साइनिंग ऑफ एन ही ब्रिंग्स इन अ होल पैडेड फाइल जहां पे ग्राहम पोर्टर्स के बारे में सारी चीजें लिखी थी हिज होल करियर वाज ओवर देर कैसे प्लेयर्स को मैनेज करता है उसका स्वानसी का करियर उसका ब्राइटन का करियर हाउ ही लाइक्स टू प्ले उसका टैक्टिकल इवोल्यूशन सब कुछ रिसर्च टॉट बोहली के साथ था तो इट गिव्स यू काइंड ऑफ अ सेंस कि ये पहले से ही वो प्लान कर रहे थे गो विद टूकल बिकॉज वो बहुत ज्यादा उनको मैसेज

जहां पे डिफेंडर्स वाइड अपार्ट होते हैं फुल बैक्स अप टॉप चढ़े होते हैं मिडफील्डर्स को दो फॉरवर्ड प्लेयर्स का सपोर्ट होता है अप टॉप विद स्ट्राइक करते हैं हेव गॉट प्लेयर्स इन नरमांडो ब्रोहा नाउ गॉट उब तो एक अच्छी टीम है यहाँ पे ही ऑल्सो हैज प्लेयर्स जिसके साथ वो ऑलरेडी खेल चुका है लाइक कुकुरे एज वेल तो दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स और लॉट ऑफ थिंग्स वील फाइंड आउट जब यहाँ पे ग्राहम पोटर्स अपना पहला गेम खेलेंगे चेल्सी के साथ तो वो हमें पता चलेगा कि टैक्टिकली कैसे सेटअप हो रही टीम बट करेंटली ये थी टोटल स्टोरी ऑफ द सैक ऑफ थॉमस टूकुल तो आप किसकी साइड ले रहे हो भाई मैं तो टूकल का ही साइड ले रहा हो और ऑब्वियसली आई नो कि इतना प्यारा मैनेजर है उसको ये सैक बहुत ज़्यादा खराब पड़ा बट देन वेन यू लुक एंड रीड बिटवीन द लाइंस तो आपको काफी सारी चीजें हैं जो कि पता चलती है आई होप आपको भी पता चला होगा एंड नाव यू कैन मेक द बेस्ट डिसीजन चिल्सी फैन्स वट ड्यू थिंक वट वॉज द बेस्ट थिंग टू डू लेट बी नो इन दिक कॉमेंट्स डॉन बिलो वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना सू गज वेरी स्टूडेंटल देन एज ऑलवेज पीस आउट